मुल्क में बिजली का बहरान और लोड शेडिंग जारी है, ये आपका हम सबका मसला बना हुआ है। गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची, लाहौर और पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जारी है। नेप्रा ने नोटिस ले लिया है। दो मुख्तलिफ राय आ रही हैं इस वक्त। एक तरफ पावर डिवीजन जो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर मजमू पैदावार इस वक्त 19,000 मेगावाट है, लेकिन हमारी जो इस वक्त खपत है, जो डिमांड है, वो 24,000 मेगावाट है। मुल्क में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लेकिन दूसरी जानब जो वजारत तवानाई है वो कह रही है कि शॉर्टफॉल सिर्फ 15,000 का है, यानी कि तकरीबन ये जो मुल्क में पैदावार है वो 22,660 है और 600 है, और जो बिजली की डिमांड है वो 24,100 मेगावाट है, यानी 1500 का सिर्फ और सिर्फ शॉर्टफॉल है, और ये ज्यादा बड़ा शॉर्टफॉल नहीं है वजारत तवानाई के मुताबिक। लेकिन पिछले अगर एतवार की बात कर ली जाए तो 2005 में 450 मेगावाट हमारी बिजली सरप्लस में थी, 2007 के अंदर 2500 मेगावाट हमें शॉर्टफॉल हुआ, 2010 के अंदर 5500 मेगावाट का शॉर्टफॉल हुआ। जो इस वक्त हमारी जो पावर डिवीजन है वो भी यही बता रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर 5000 से ज्यादा का शॉर्टफॉल है। 2010 के अंदर ऐसा हुआ और 2012 के अंदर फर्स्ट विंड पावर इंस्टॉलेशन जो FFCEL विंड प्रोजेक्ट है वो आया, और उसके बाद 2013 से 2018 मुस्लिम लीग नून कहती रही कि हमने लोड शेडिंग को सिफर किया, बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए, लेकिन आज फिर लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजह क्या है, हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इशफाक हनीफ साहब एनर्जी एनालिस्ट हैं और सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी में भी काम करते हैं, अपने अंदर भी सब करते हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। बेसिक वजह क्या है इस वक्त, क्या जरूरत है हुकूमत को करने की, और ये जो दो मुतजाद बयान आ रहे हैं पावर डिवीजन के और वजारत तवानाई के, कह रहा 5000 का शॉर्टफॉल है, दूसरा कह रहा 1500 का। इस वक्त शॉर्टफॉल होना चाहिए, जितने प्रोजेक्ट नून लीग गिनवाती है लोड शेडिंग तो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, है क्यों नहीं? जी थैंक यू वेरी मच, मुझे लाइव लेने के लिए यहाँ से, मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ इस वक्त, और जैसा आपने तारीफ में बताया कि मैं तो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैंने वाडा को भी कुछ अर्सा, मैंने तकरीबन 12-13 साल सर्व किया है 1987 से लेकर 99 तक, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था सऊदी अरब में, और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, जो आपने बात की है कि शॉर्टफॉल जो है वो 4000 का, जैसे ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 4000-5000 का शॉर्टफॉल आ रहा है जिसकी वजह से लोड शेडिंग चल रही है, मेरा अपना जो एनालिसिस है उसके मुताबिक शॉर्टफॉल होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इस वक्त भी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो 35 to 36,000 मेगावाट की है। अच्छा, ये जो जनरेशन कैपेसिटी है ये कुल मिला के है, यानी उसमें हाइडल भी है, उसमें थर्मल भी है, उसमें आपको पता है IPPs हैं, हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स IPPs के चल रहे हैं उनके साथ है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जनरेशन कैपेसिटी जो है वो IPPs से हम ले रहे हैं, यानी अगर हमारी जनरेशन कैपेसिटी तकरीबन 35,000 या 36,000 मेगावाट की है तो तकरीबन हम 18,000 के करीब मेगावाट जो है वो IPPs से ले रहे हैं, और इसके अलावा हाइडल पावर है हमारी 9,000 मेगावाट तक की हाइडल पावर हमारी है, इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 5% रिन्यूएबल एनर्जी है, 5% ऑफ द जनरेशन कैपेसिटी, और इसी तरह न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी है थ्रू न्यूक्लियर पावर वो भी हमारे पास है तकरीबन 5% के करीब, 5-6%, और ये भी मिला के टोटल रिन्यूएबल और न्यूक्लियर ये तकरीबन 3,000 मेगावाट के करीब ये बन जाती है। तो अब ये देखें कि 18,000 मेगावाट तो हमारी जनरेशन कैपेसिटी है थर्मल से, और थर्मल में भी जो 18,000 मेगावाट है वो 62% ऑफ द टोटल जनरेशन कैपेसिटी है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हमारी एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी तकरीबन 5-6% है और रिन्यूएबल एनर्जी भी 5% है, तो ये टोटल मिला के तकरीबन हमारी 36,000 के करीब हमारी जनरेशन कैपेसिटी है। अब उसका जो 62% है जो कि तकरीबन 21,000 मेगावाट बनती है वो तो है हमारी थर्मल से, और उसमें से भी तकरीबन IPPs के पास, IPPs से जो हम जनरेशन लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 18,000 मेगावाट तक लेते हैं। तो अब जैसे ये कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 24,000 मेगावाट की टोटल डिमांड है और हमारे पास 19,000 मेगावाट मौजूद है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 19,000 मेगावाट सिस्टम में मौजूद है? ये तो बिल्कुल ऐसी मतलब मनगढ़ंत बातें लगती हैं, क्योंकि हमारे पास 18,000 मेगावाट तो IPPs के थ्रू हम ले रहे हैं, और प्लस हमारी आपको पता है कि तकरीबन 9,000 हमारी हाइड्रो पावर है,
और उसमें से चले ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3000 का शॉर्टफॉल है हाइड्रो पावर में। तो हाइड्रो पावर अगर 3000 का शॉर्टफॉल भी है तो फिर भी हमारे पास तकरीबन 6000 सिस्टम में हमारे ऐसी आईपीपीज के साथ कि हमें उनसे जो है वो लेनी ही पड़ती है जितनी भी मतलब उनके साथ मतलब उनकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो हमें लेनी ही पड़ती है चाहे हमारी डिमांड हो या ना हो। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर 18000 मेगावाट तक की बिजली के उनके साथ मुआहदे हैं तो वो तो हमें लेनी ही लेनी है उनसे। उसके बाद जो है वो अब हमारे पास तकरीबन 6000 मेगावाट को हाइड्रो पावर भी बनती है अगर उसमें शॉर्टफॉल भी है 3000 का। तो इसके अलावा हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है तकरीबन, और रिन्यूएबल और जो एटॉमिक एनर्जी जो है ये सारी मिला के तकरीबन 3000 मेगावाट ये है। तो अब आप देखें कि 18000 वो और 6000 हमारे पास हाइड्रो पावर मौजूद है और तकरीबन 3000 ये हमारे पास मौजूद है। और तो ये तकरीबन 27-28000 मेगावाट बन जाती है जो कि सिस्टम में होनी चाहिए। ये कह रहे हैं हमारे पास सिस्टम में सिर्फ 19000 मेगावाट है। तो ये इसीलिए नेपरा ने इन सारे आपने कॉल किया है जितनी भी आईपीपी वजारत तवानाई कह रही है 22600 है, जो पावर डिवीजन है वो कह रही है 19000 है। अगर वजारत तवानाई के पास चले जाएं जो आप कह रहे हैं वो 22600 कह रही है, आप कह रहे हैं कि 27000 होनी चाहिए, तो ये जो लॉसेज हैं ये ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से है, क्या मसला है? जी जी, लॉसेज भी हैं इसमें। आपको पता है कि तकरीबन हमारा 25% के करीब तो लॉसेज हो जाते हैं उसमें भी। आपको पता है सिंध में ज्यादा लॉसेज हैं और बाकी पंजाब NWFP और KPK और बलोचिस्तान में जरा थोड़ी सी मकदार कम है। लेकिन बहरहाल हमारे लॉसेस भी जो है वो 22% से लेके 25% तक हो जाते हैं। लेकिन मसला एक और भी है, हमारा जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है, जो हमारे ग्रिड स्टेशन हैं और जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है ये इंतहाई पुअर हो चुका है। ये इस काबिल ही नहीं है कि ये तकरीबन 22-23000 मेगावाट से ज्यादा की बिजली को ट्रांसमिट कर सके। अगर हमारे सिस्टम में मौजूद हो भी हमारी तकरीबन 26-27000 मेगावाट तो वो ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता और फिर लॉसेस भी हैं। तो इसलिए ये सारे मिला जुला के ये जितने भी लॉसेस हैं और जो हमारा सिस्टम की इनकेपेबिलिटी है वो मिला के ये फिर ऐसे ही बनता है कि ये 19-20000 जो है वो हो सकता है ट्रांसमिट करने के काबिल हो हमारा सिस्टम जो है। अब मसला ये है कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, पिछली गवर्नमेंट भी और इस गवर्नमेंट के भी पहले ये जो 2-2.5 साल है इसमें हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई। जैसे आप देखेंगे हमारा ये जितने भी ग्रिड स्टेशंस हैं और जितना भी ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की गई। इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, नया सिस्टम चाहिए हमें। पुराना सिस्टम जो है उसके ज़ाहिर है लॉसेज भी ज़्यादा होते हैं और फिर पुराना सिस्टम जो है वो ट्रिप भी गायब गाहे हो रहा होता है, खासकर जब टेम्परेचर जो है वो 40s में जाता है, 42-43 से ऊपर जाता है टेम्परेचर, तो इनमें ट्रिपिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। अब आप देखें कि आप जैसे कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग चल रही है और वो 5-6 घंटे शहरों में और 8-10 घंटे जो है वो गाँव में या छोटे शहरों में कस्बों में चल रही है। तो इतनी ज्यादा लोड शेडिंग तो होनी नहीं चाहिए। अगर हमारा शॉर्टफॉल जो है, जैसे वापडा कह रहा है या NTDC कह रहा है कि हमारा शॉर्टफॉल जो है ये 1500-1600 का है सिर्फ, तो इतनी ज्यादा लोड शेडिंग कैसे है? इवन अगर 5000 का भी अगर शॉर्टफॉल हो फिर भी इतनी ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही है। तो ये जो है ना, ये तो सिस्टम की खराबी है हमारी। हमारा जो सिस्टम है बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, किसी ने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ, और वो सिस्टम जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए। और ये जाहिर है कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। अगले मजीद बिजली पैदा करने से बेहतर है कि सिस्टम को जो ट्रांसमिशन का है उसके ऊपर अब ज्यादा फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम से। इतना ही, इजाजत चाहिए, अल्लाह हाफिज़।